बसंत आगमन के साथ पहाड़ों के कोनों कोनों में फ्योली का फूल खिलने लगता है। दूरधार में बुरांस इन खूबसूरत वादियों का श्रृंगार करता है। फ्योली पहाड़ में प्रेम और त्याग की सबसे सुंदर प्रतीक मानी जाती है। पौराणिक लोक कथाओं के अनुसार फ्योली एक गरीब परिवार की बहुत सुंदर कन्या थी। एक बार गढ़ नरेश राजकुमार को जंगल में शिकार खेलते खेलते देर हो गई। रात को राजकुमार ने एक गांव में शरण ली। उस गांव में राजकुमार ने बहुत ही खूबसूरत फ्योली को देखा और उसकी सुंदरता में मंत्रमुग्ध हो गया। राजकुमार ने फ्योली के माता पिता से फ्योली के साथ शादी करने का प्रस्ताव रख दिया। फ्योली के माता पिता खुशी खुशी राजा के इस प्रस्ताव को मान गए। शादी के बाद फ्योली राजमहल में आ तो गई, लेकिन गांव की रहने वाली फ्योली को राजसी वैभव कारागृह लगने लगा था। हर घड़ी उसका मन अपने गांव में लगा रहता था। राजमहल में चकाचौंध फ्योली को असहज करने लगी। फ्योली ने इस पर राजकुमार से अपने मायके जाने की इच्छा जताई। गांव में फ्योली पहुंच तो गई, लेकिन इससे पहले ही फ्योली की तबीयत बिगड़ने लगी और वो मरणासन्न स्थिति में पहुंच गई। बाद में राजकुमार ने गांव आकर फ्योली से उसकी अंतिम इच्छा पूछी तो उसने कहा कि उसके मरने के बाद उसे गांव की किसी मुंडेर की मिट्टी में ही दफना दिया जाए। इसके बाद फ्योली को उसके मायके के पास दफना दिया गया, जिसके बाद उस स्थान पर पीले रंग का ये फूल खिला, जिसका नाम फ्योली रख दिया गया। उत्तराखंड के लेखकों का कहना है कि पहाड़ों में फ्योली का खिलना बसंत के आने की सूचना देता है और कवियों के लिए उनकी रचना का विषय देता है, जिसकी सुंदरता से कवि अपनी कविता की रचना करते हैं। गढ़ रत्न नरेंद्र सिंह नेगी जी द्वारा गाया गया बेहद लोकप्रिय गढ़वाली गीत हे जी सारू माँ फूली गे होली, फ्योली लेड़ी मैं घर छोड़ी आवा, हे जी घर बौंड बौड़ी गे होलू बालू बसंत मैं घर छोड़ी आवा, आज भी देवभूमि से दूर रह रहे उत्तराखंडियों को भावुक कर देता है। देवभूमि उत्तराखंड का फूलदेई त्योहार चैत्र मास की संक्रांति अर्थात पहले दिन से ही बसंत आगमन की खुशी में मनाया जाता है। इस फूलदेई में नन्हे मुन्ने बच्चे प्रातः सूर्योदय के साथ साथ घर घर की देहरी पर फ्योली बुरांस पहिया आदि फूलों को चढ़ाते हुए घर की खुशहाली की कामना के गीत गाते हैं। हमारा समाज फूलों के साथ नए साल की शुरुआत करता है। फूलों का ये पर्व कहीं पूरे चैत्र मास चलता है तो कहीं 8 दिनों तक। बच्चे फ्योली बुरास और दूसरे स्थानीय रंग बिरंगे फूलों को चुनकर लाते हैं और उनसे सजी फूल कंडी लेकर घोगा माता की डोली के साथ घर घर जाकर फूल डालते हैं। भेंट स्वरूप लोग इन बच्चों को लया पैसे चावल गुड़ इत्यादि देते हैं। घोगा माता को फूलों की देवी माना जाता है। फूलों की इस देवी को बच्चे ही पूजते हैं। अंतिम दिन बच्चे घोगा माता की बड़ी पूजा करते हैं और इस अवधि के दौरान इकट्ठे हुए चावल दाल भेंट राशि से सामूहिक भोज पकाया जाता है। ये जानकारी आपके लिए जुटाई है हमारे साथी शोभन सिंह नेगी ने और मेरा नाम है स्मिता पटवाल। ऐसी अन्य जानकारियों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।